साथियों जुड़ जाइए। जो भी साथी जुड़ जाएं कृपया करके हमारे वीडियो को अन्य सभी ग्रुपों में जहाँ जहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग गौरव भाई, कृपया करके जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं इसको अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं। ज़रा बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। नमस्कार भाई, ज़रा कोई एक कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। भैया कोई एक बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। नमस्कार भाई, ओके ओके, धन्यवाद आशु भैया, धन्यवाद धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को, नकुल भाई थोड़ा सा तेज नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से आप लोगों की डिमांड पे हमें लाइव आना पड़ा। नहीं था कि स्थिति में ना मैं पोस्ट लिखने की हालत में था ना ही मैं लाइव आने की स्थिति में था, लेकिन क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जहाँ हम 2.5 साल से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में आज बेरोजगारी से बड़ा दंश कुछ भी नहीं है, इस वजह से लाइव आके आप लोगों के मध्य में चीज़ों को साझा करना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है कि क्या परिस्थितियां हैं और किन वजहों से चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आवाज़ के मामले पे। बाकी मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। 200 साथी जुड़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा भैया शेयर कर दीजिए, अन्य सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे कि लोग, वर्मा आर के भाई आवाज़ धीरे आ रही, कोई बात नहीं भैया कोऑपरेट करिए थोड़ा सा, आप चीज़ों को थोड़ा सा सुनिए किसी हिसाब से। देखिए सबसे पहले अब हम बातें शुरू करते हैं। 250 लोग लगभग जुड़ चुके हैं, इसको शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग जुड़ते जाएं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे, लेकिन सभी बातों को लगभग आज क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो सबसे प्रमुख बात थी जो 15 जुलाई की तारीख के बाद लोगों के बीच से निकल के आई कि हिसाब किताब की बात कि लगभग कितने लोग याची बने या किस हिसाब से खर्च किया गया कि टीम से इतना खर्च हो गया और सारा पैसा नील हो गया टीम के पास, अगली सुनवाई के लिए टीम के पास कुछ नहीं है। छोटू सिंह भाई अभी हम आते हैं मुद्दे पे, डर लग रहा है ऐसा नहीं है, जब लड़ने आए हैं तो लड़ा के लाएंगे। तो इस मामले पे कल पंकज सर को, क्योंकि हिसाब किताब का सारा ब्यौरा उन्हीं के पास रहता है, तो कल सारा कुछ उनसे कहा गया है कि आप सार्वजनिक कर दीजिए, तो शायद शाम को लाइव में उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। हरीश सालवे सर को किस किस डेट में कितना कितना पैसा गया है, अन्य सभी अधिवक्ताओं से भी कल शाम को कह दिया गया है वार्ड सर के माध्यम से कि आप भी हमको अपने जितना भी फीस आपको पेमेंट किया गया है उसका सारा हमको रसीद आप दिलवाइए उनके यहाँ से। तो हरीश सालवे सर का क्योंकि RTGS गया हुआ था, उनकी रसीदें हम लोगों के पास मुहैया थी, तो वो शाम को पंकज सर ने अपने स्टेटमेंट में मतलब उनकी रसीदें दिखा दी हैं। बाकी स्टेटमेंट में सारा वो निकल के आया है जो जो पैसा आज तक गया है। अब उन पैसों की रसीदें आप लोगों को संभवतः आज या कल में मिल जाएगी, उसके लिए परेशान ना होइए। टीम के पास लगभग 2400 याची आए थे अभी तक, उन 2400 की संख्या में चयनित और अचयनित दोनों भाई थे। तो चयनित अचयनित भाइयों के लिए हम लोगों ने ये किया है कि जो भी हमारे अचयनित भाई थे उनको हमने चयनित के साथ भी जोड़कर भेज दिया है, जिससे किसी भी परिस्थिति में अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हमें राहत मिलती है तो हमारे उन साथियों का भी नुकसान न होने पाए। इस वजह से जो भी हमारे चयन सूची में आने से वंचित रह गए थे साथी उनको भी यहाँ पर जोड़ के भेजा गया है। मतलब टोटली 2400 के लमसम या कुछ ऐसा डाटा है जो भेजा गया है, वो पंकज सर ने कल शाम को आपको बता दिया है। उसके अलावा अचयनित साथियों की एक अलग से हमारी जो सेपरेट अपील जाएगी उस पर जो साथी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अचयनित साथी रहेंगे। उसकी ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है, उनके वकील फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन किसी विशेष रणनीति के तहत उसको अभी लिस्टिंग नहीं कराई गई है। भरोसा रखिए जल्द ही उसको भी लिस्टिंग करा के हम लोग सुनवाई के लिए लाएंगे। तो अचयनित साथी बिल्कुल भी घबराए नहीं, उनका नाम पहली लिस्ट में 90-97 में जो है वहाँ पर जा चुका है। तो ये तो हुई हिसाब किताब की बात, हिसाब किताब पंकज सर ने कल शाम को पूरा का पूरा ब्यौरा दिखा दिया है, और बची हुई जो भी अन्य जगहों की रसीदें हैं वो संभवतः आज या कल में AOR सर के माध्यम से हमें मिल जाएंगी, वो भी आप लोगों के बीच में साझा की जाएंगी।
अब आते हैं थोड़ा सा केस और उसके मुद्दों पे। देखिए बीएड लीगल टीम जब सिंगल बेंच से डबल बेंच में लड़ रही थी, तो डबल बेंच में भी हमारी एक रणनीति होती थी कि हमने कभी भी अधिवक्ताओं के नाम पर समझौता नहीं किया था। कभी भी हम लोगों ने अधिवक्ता के नाम पर समझौता नहीं किया। बहुत सारे उठा पटक चढ़ाव उतार आए, लोगों ने कहा नहीं इनको लाने की क्या ज़रूरत है, उनको लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन डबल बेंच में भी जो एक नाम आप लोग सजेस्ट करके दे रहे थे कि अगर जयदीप नारायण माथुर सर आ गए तो केस को हमें कोई हरा नहीं सकता है, बीएड लीगल टीम ने बिना समझौता किए हुए उसी नाम को हायर किया। भले ही हमने 4 बार आपसे पैसा मांगा हो, वो पैसा आप लोगों ने हमें दिया, हर बार दिया। उन साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बार बार दिया, लेकिन हमेशा हमने कभी भी अधिवक्ताओं के नाम से समझौता न किया है और ना ही करते रहे, कभी भी नहीं किया। उसी के तहत एक आप लोगों ने जब शुरू में हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए 67-867 की लिस्ट को लेके, तो आप लोगों ने कहा अगर हरीश साल्वे सर आ जाएं तो संभवतः इस केस में हमें कोई नहीं हरा सकता है। और उसी नाम के साथ आगे बढ़ते हुए बीएड लीगल टीम ने पुनः एक बार उसी नाम को अप्रोच करने की सोची, जो कि नाम था हरीश साल्वे सर का। तो हरीश साल्वे सर को लाने के लिए एक कयास लगाया गया कि भाई हरीश साल्वे सर कैसे लाए जाएं, क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है हरीश साल्वे सर का टोकन 2 तारीख को शायद गया हुआ था 15 लाख का। उसके पहले शायद 8 या 9 दिन पहले जब साल्वे सर के चैम्बर से जो लिंक मिला था, जिस हिसाब से बात की जा रही थी, तो पता चला था कि शिक्षा मित्रों के पैनल ने भी उन्हें अप्रोच किया है, लेकिन उनका केस गड़बड़ होने की वजह से साल्वे सर ने लेने से मना कर दिया था। तो हम लोगों को थोड़ा सा और उम्मीद जगी कि नहीं साल्वे सर हमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक निर्देश आया था कि फी इस केस की फीस को वो स्वयं डिसाइड करेंगे, ये उनकी तरफ से निर्देश था। और इस निर्देश के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ साफ तौर पे कह दिया था कि इन केस जिस दिन भी केस लगा और मैं कैम अपीयर हुआ और कोर्ट एडजर्न कर देती है, अगर मामला आपका नहीं सुनती है तो फीस को लैप्स कर दिया जाएगा। हमारे काफ़ी जिला प्रमुखों को मैंने ये बात बता रखी थी, गोरखपुर की सक्रिय महिला सदस्य हैं उनको मैंने ये बात बताई, शाहजहाँपुर से लोग हैं उनको बताई, उन्नाव से कुछ लोग हैं उनको बताई, स्पष्ट तौर पे हमने बताया लोगों को कि ऐसी ऐसी परिस्थिति बन रही है, बताइए क्या किया जाए, अगर फीस लैप्स हो गई तो फीस चली जाएगी, आप लोग बताइए। लोगों ने सामंजस्य बनाया कि कोई बात नहीं, आप लड़िए, हम लोग साथ में रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है भाई, उस नाम पे सामंजस्य बना, हम लोगों ने हरीश साल्वे सर को हायर कर लिया, टोकन चला गया, हरीश साल्वे सर के नाम को ओपन करने के लिए हमें वहाँ से बाउंड कर दिया गया कि आप सर का नाम डायरेक्टली 5 लोग नहीं लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी लिखे। हम 5 लोगों ने तोड़ मरोड़ के दुनिया की तरीके से हरीश साल्वे सर का नाम लिखना शुरू किया। आप लोग भी समझ गए कि साल्वे सर को हायर किया गया है। अब थोड़ा सा आते हैं मुद्दों पर कि बीएड लीगल टीम ने आज तक किन किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। एक पहला 90-97 का मुद्दा, बीएड का मुद्दा, 22,000 सीट का मुद्दा, भारांक का मुद्दा। इन 4 मुद्दों को लड़ते हुए बीएड लीगल टीम ने लगभग 2400 लोगों को एक साथ किया, और 2400 लोगों के साथ में ही इन 4 मुद्दों को बीएड लीगल टीम ने लड़ा। 90-97 को बचाना हमारी प्रथम प्रायिकता थी। बीएड को बचाने के लिए हालांकि हम लोग थोड़ा सा आश्वस्त थे, मैं पहले से ही आश्वस्त था कि बीएड पे कुछ नहीं होने वाला है, जो रेट्रोस्पेक्टिव ये फलाना ढिमका चल रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो रेट्रोएक्टिव है। उस पर मैं बार बार लिखता भी रहा, हालांकि आप लोग भी उस चीज़ पे रहे, लेकिन क्योंकि देखिए डर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप लोगों ने बार बार कहा कि नहीं बीएड पर भी, जिस दिन आपको याद होगा बीएड पर विपक्षी अरुणेश कुमार की रिट पर सुनवाई करा रहा था, तो आप लोग बार बार कह रहे थे कि बीएड पे आपका सीनियर क्यों नहीं अपियर हुआ। तो भाई ये कहा गया कि नहीं ऐसा करते हैं कि अगर कोई जजमेंट गलत आ जाए उससे अच्छा है बीएड पर भी सीनियर अपियर कर लेते हैं, तो भाई बीएड पर भी सीनियर को अपीयर कर दिया गया। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर बीएड से हमेशा से आश्वस्त था, कभी मुझे ये नहीं लगा कि नहीं बीएड पे कोई दिक्कत हो सकती है, बिकॉज एनसीटी इज द रूलिंग अथॉरिटी एंड देयर वाज नो चैलेंज इन अ सिंगल बेंच, तो बीएड मुद्दे पर कोई चैलेंज सिंगल बेंच में नहीं था, इस वजह से हम हमेशा से आश्वस्त थे। लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड पे बीएड पर भी माननीय विश्वविख्यात अधिवक्ता साहब को कुछ बहुत टोकन एक्स्ट्रा दे के, कुछ बहुत पैसा एक्स्ट्रा दे के उनको वहां पर भी अपीयर कराया गया। तो अब उसके बाद आते हैं, जब बीएड लीगल टीम के लिए आप लोग इतनी जिम्मेदारियां तय करते हैं, अन्य बहुत सारी टीमें लड़ रही हैं, संयुक्त लीगल टीम है, बीटीसी की लीगल टीम है, जब सारी टीमें लड़ रही हैं, आप लोगों ने टोटली एक डिमांड की कि नहीं हरीश साल्वे को लाया जाए, कि
किसी भी टीम ने आपकी डिमांड को नहीं सुना और सिर्फ बीएड लीगल टीम ने आपकी डिमांड को सुना और हरीश सालवे सर को लाया गया। हरीश सालवे सर के बारे में किसी को बताने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा नाम है, उनका क्या, अमरजीत चौहान चंदा चोर कितने करोड़ रुपए आपने हमको दे दिए भाई, हमारा घर बनवा दिया है कि हमको कुछ जायदाद खरीद के दे दिए, अन्यथा की स्थिति बहुत दयनीय होगी, कृपया करके इस तरह के कमेंट मत करिए, है ना। तो अन्य किसी भी टीम ने आपकी चीज़ों को नहीं सुना, बीएड लीगल टीम ने पुनः हरीश सालवे सर के ही नाम पे दांव खेला और लाए हम लोग हरीश सालवे सर को। अब हरीश सालवे सर कितने महंगे वकील हैं इसका अंदाज़ा तो आप लोग इस बात से लगा लीजिए कि आपको याद होगा जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो रहा था तो उस समय माननीय स्वर्गवासी राम जेठ मलानी सर शिक्षा मित्रों की तरफ से अपीयर हुए थे। शिक्षा मित्रों की तरफ से राम जेठ मलानी सर 25 लाख रुपए पर अपीयरिंग का आज के 5 साल पहले लेते थे और लिया था। तो जब 5 साल पहले कोई बंदा इतना रुपया ले सकता है, फिर हरीश सालवे सर क्या हैं इनको जानने के लिए आप गूगल पे जाके देख लीजिए। ब्रिटेन की महारानी के इस टाइम शायद वो लीगल एडवाइज़र हैं और इस टाइम वो इंडिया में हैं भी नहीं, लंदन से बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो जुड़ते हैं और हमारे केस पे बहुत ही ज़्यादा वो, मैं तो कहूँगा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका जो पैनल है जिसके हिसाब से वो हमसे जुड़े हुए हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी हमें शंका नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हाँ, मैं अंत में एक हरीश सालवे सर के बारे में बात को ख़त्म करने से पहले एक बात और कहूँगा कि शायद टीम से ये गलती ज़रूर हुई कि टीम ने आप लोगों की बात को सुनते हुए सालवे सर को लाने का निर्णय किया। जैसे अन्य सारी टीमें लड़ रही हैं, आप समझिए हमारा एक वकील 25 लाख का है, मैं सीधी बात करता हूँ, आज के समय में कोई भी टीम, मैं विरोधी की बात नहीं करता हूँ क्योंकि विरोधी टीम में वास्तविकता में एक दो अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए पर अपीयरिंग की है, लेकिन हमारे पक्ष की जितनी भी टीमें लड़ रही हैं उन किसी भी टीम में किसी भी वकील की कीमत 6 से 7 लाख रुपए पर अपीयरिंग से ज़्यादा नहीं है। अगर हम भी सालवे सर को नहीं लाए होते तो शायद मैं इसी पैसे में 4 बार सुनवाई कराता, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। लेकिन अमित कुमार, अच्छा एक मिनट जरा सा रुक जाइए। हाँ तो शायद हमें इतनी जल्दी दोबारा पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अब इतना बड़ा सीनियर हम लोगों ने अपीयर कर लिया था आप लोगों के कहने के दम पे कि नहीं आप लोग भाई लाइए हम लोग सहयोग करेंगे, हमें भी पहले लग रहा था कि नहीं सालवे सर के नाम पे भाई लोग ऐसा सहयोग करेंगे कि हमें 2-3 सुनवाई तक लोगों से सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम केस में 2-3 सुनवाई में इसका निर्णय निकलवा लेंगे। उसके बाद आते हैं कि अब परिस्थितियाँ क्या बनी। अब परिस्थितियाँ देखिए ये बन गई हैं क्योंकि सालवे सर के लिए अब जिस दिन आपकी 14-15 तारीख की हियरिंग थी उसके बाद जब डेट 16 तारीख की आई तो सालवे सर के लिए पुनः अप्रोच किया गया, हालांकि उधर से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया, लेकिन फिर भी एक अप्रोच किया गया कि सर आप अपीयर हो जाइए, तो उधर से उन्होंने कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उतनी फीस नहीं लेकिन हमको कम से कम आधी फीस या 1/4 छोड़ के 3/4 फीस तो उनको देनी ही पड़ेगी अगली अपीयरेंस पे उनको लाने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का हम कमेंट पढ़ रहे थे, मैं क्योंकि परसों से थोड़ा सा अस्वस्थ था तो मैं ना ही लाइव आ पाया ना ही पोस्ट लिख पाया, कल मैंने बहुत हिम्मत करके एक पोस्ट लिखी थी। तो हरीश सालवे सर ही क्यों ज़रूरी हैं इस बात पर हम अपना व्यू रखना चाहते हैं, बाकी देखिए जहाँ पर आप सभी खड़े हैं वहीं पर हम भी खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पद मिल जाएगा तो 67867 की लिस्ट से हमें हटा दिया जाएगा या हमें एक पद मिल जाएगा और आपको हटा दिया जाएगा। देखिए मैं पहले से एक चीज़ आपको बता दूं कि ना ही हम हारे हैं और ना ही हम हारेंगे, इस चीज़ को कोई भी साथी दिमाग से हटा दे, परंतु एक जो होता है ना कि साइकोलॉजी जो होती है, एक उस साइकोलॉजी के हिसाब से आप एक चीज़ समझिए कि एक चीज़ उस दिन माननीय न्यायालय की हमें बहुत ही दुखद लगी, लेकिन न्यायालय पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि बिना विपक्ष को सुने हुए माननीय न्यायालय ने ये जो तर्क कहा या ये जो कमेंट कहा कि नहीं आपने शिक्षा मित्रों के वेटेज को कम करने के लिए कटाफ को ऊपर कर दिया है, ये तर्क थोड़ा सा हमें दुखद लगा,
क्योंकि वास्तविकता यह है कि पक्ष और विपक्ष को सुने बिना आप किसी भी नतीजे पर शायद नहीं पहुंच सकता था माननीय न्यायालय, लेकिन माननीय न्यायालय को जरूर कुछ ना कुछ लगा होगा, इस वजह से शायद न्यायालय ने बात कही। तो इस बात को मैं थोड़ा सा गंभीरता से इसलिए लेता हूं क्योंकि माननीय न्यायालय ने अगर ये बात टिप्पणी की है तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में, माननीय जस्टिस ललित सर के दिमाग में कुछ ना कुछ बात जरूर आई होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये तर्क रखा। अब उस तर्क को तोड़ने के लिए हमें किसी ऐसे अधिवक्ता की जरूरत थी है जो कि पूर्ण रूपेण उनको संतुष्ट कर सके कि नहीं जज महोदय, ये जो आप तर्क है आपका इस पे शायद आप थोड़ा सा गलत हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कट ऑफ को बढ़ाया इसलिए गया है जिससे इनका वेटेज को ख़त्म किया जा सके। और उस मामले पे मैंने लगभग एक फ्लो चार्ट बनवा के हरीश सालवे सर के यहाँ पे मैंने मुहैया करा दिया है, मैं स्वयं उनकी ब्रीफिंग से जुड़ा था। जिन भी साथियों को बिल्कुल भी शंका हो वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैंने उनकी ब्रीफिंग का स्क्रीनशॉट भी इसीलिए ले लिया था, मैं उसको दिखा दूंगा। तो वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि हमारी बारी पे मैं इस चीज़ को बिल्कुल तोड़ दूंगा और बिल्कुल भी कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी कि माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है शायद वो एक पक्ष को सुनते हुए कर दिया है या उनको ऐसा लगा होगा। क्योंकि जाहिरता है, देखिए एक बात समझिए, सालवे सर को 11 लाख में हायर हुए हैं, मनोज चौरसिया कह रहे हैं सालवे सर तो 11 लाख में हायर हुए हैं। तो मनोज चौरसिया जी को हम कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे, मैं खुले मंच पे आज कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने खाते से, अपने घर के खाते से 11 लाख रुपए आपको दूंगा, पूरे 11 लाख, एक रुपया कम नहीं करूंगा। अगर आप असली बाप की औलाद हैं, एक बाप की, तो आप उन 11 लाख रुपए में माननीय हरीश सालवे सर को अगली डेट पे अपियर करा दीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब जो ये शिक्षा मित्रों का भार ये मैटर है, तो इस मैटर पे सालवे सर ने कहा कि आप परेशान मत होइए और जब हमारी सुनवाई आएगी तो इस चीज़ को हम कोर्ट को तोड़ देंगे, कोर्ट के मामले में इस चीज़ को संतुष्ट कर देंगे। अब बात आती है कि हरीश सालवे सर ही की मेरा व्यक्ति, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से आप लोगों से वीडियो कट गया था, दोबारा से जुड़ जाइए, परेशान ना होइए। हाँ, तो अब हरीश सालवे सर ही इसलिए मेरे विचार से, क्योंकि देखिए विपक्ष ने जो राग बाला बुना है उस सिनेरियो को तोड़ने के लिए एक अनुभवी और कोर्ट पर अपना प्रभुत्व बनाने वाला अधिवक्ता ही शायद मेरे हिसाब से जरूरी है। इस वजह से व्यक्तिगत मैं हरीश सालवे सर के साथ ही जाना पसंद करना चाहता हूँ, बाकी आप लोग जैसा विचार सुझाव देंगे उसके साथ जाने में मुझे कोई कुरेज नहीं है। क्योंकि हरीश सालवे सर ने केस को पूरी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, इस वजह से मैं उनके साथ ही जाने का मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। तो अब थोड़ा सा बात एक चीज़ और करते हैं कि जैसे लोग कह रहे थे कि बिना बोले हुए उन्होंने फीस कैसे चार्ज कर दी। अब आपको एक चीज़ हम याद दिलाना चाहेंगे, डबल बेंच में विपक्ष की तरफ से एच एन सिंह साहब आते थे, इलाहाबाद के अधिवक्ता हैं एच एन सिंह साहब, और लखनऊ बेंच में आते थे। और आपको याद होगा कि दो तीन सुनवाई में एच एन सिंह साहब बिना बोले हुए बैरंग वापस लखनऊ से इलाहाबाद लौट गए थे। तो क्या विपक्ष अगर ईमानदार है बिल्कुल भी, तो विपक्ष आकर इस चीज़ को, टिप्पणी को काट दे कि नहीं एच एन सिंह साहब बिना फीस को लिए हुए वापस चले जाते थे। देखिए कोई भी अधिवक्ता यदि आपके लिए अपना समय बर्बाद करेगा तो वो जाहिर सी बात है आपसे फीस चार्ज करेगा। ये किस्मत हमारी है कि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, ये बदकिस्मती हमारी आपकी है कि उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, ठीक है। इस वजह से इस चीज़ पे कोई भी कुरेज नहीं है कि नहीं हरीश सालवे सर ने फीस चार्ज नहीं किया है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके चैम्बर से ये पहले ही पता चल चुका था। अब आते हैं भविष्य में क्या होगा। देखिए भविष्य का मैं आपको बता दूं, कल हमारे वार्ड सर के सबके सर के माध्यम से हरीश सालवे सर जिस पैनल से हैं उनको साफ बता दिया गया है, एक रिकमेंड की गई है कि सर अगली जो भी सुनवाई होगी उसकी फीस हम किसी भी तरह लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप एक काम करिए कि सालवे सर को इस हिसाब से लाइए कि सुनवाई पर ही सालवे सर आए, वो ऐसे ना आए कि हमारी फीस भी लैप्स होके चली जाए और हम किसी काम के ना हों। ये चीज़ उनसे रिक्वेस्ट की गई है, उनकी रिक्वेस्ट का क्या परिणाम उधर से आता है अभी इस पे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनसे ये रिक्वेस्ट कर दी गई है कि अगली जो सुनवाई होगी वो उस दिन हो, सालवे सर उस दिन आए या ना आए, सालवे सर उस दिन जरूर आए जिस दिन उनका आर्गूमेंट रखा जाए। अब
बाकी आप लोग जैसा भी सुझाव देंगे उस सुझाव पे हमें चलने में कोई कुरेज नहीं। यदि आप कहेंगे साल्वे सर को तो साल्वे सर आएंगे, यदि आप कहेंगे और किसी को तो और कोई आएगा। अब थोड़ा सा मैं और चीज़ों पे जाना चाहूँगा। आपको याद होगा 15 जुलाई की सुनवाई के दिन विपक्ष की तरफ से लगभग 9 अधिवक्ता अपीयर थे। अब उन 9 अधिवक्ताओं में सिर्फ और सिर्फ अभी 3 अधिवक्ताओं का सबमिशन हुआ है, जबकि वो बाकी के 9 अधिवक्ता पूरे टाइम कोर्ट रूम से जुड़े रहे। तो क्या उन सभी अधिवक्ताओं ने अपना टाइम जाया करते हुए विपक्ष से फीस नहीं खाई होगी या नहीं ली होगी? ये कतई कतई आप सोच लीजिए, खुद सोच लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ हमारा आपका कोई रिश्तेदार अधिवक्ता नहीं बैठा है। यदि अधिवक्ता क्लाइंट पर रहम करने लगे तो फिर शायद वो जो वकीलों अधिवक्ताओं के बारे में कहा जाता है ना कि अधिवक्ता तो बहुत वो होते हैं, तो शायद वो सिनेरियो टूट जाए। अच्छा, मैं व्यक्तिगत देखिए, कोई भी नाम जब आप बहुत बड़े नाम के साथ जाना चाहते हैं तो नाम बड़ा कैसे होता है? नाम बड़ा अनुभव के आधार पे होता है, उसकी जीत के आधार पे होता है। आज एक बहुत छोटा नाम है और एक ऐसा नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग हायर करने की सोच रहे हैं, विश्व की सूची में जो चौथे नंबर के रैंकर हैं। तो जाहिर सी बात है, नाम बड़ा हुआ है तो उनका अनुभव भी बड़ा होगा, उनकी फीस भी बड़ी होगी, सब कुछ बड़ा होगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि हम हरीश साल्वे सर के साथ क्यों न देखिए, फिर मैं इस चीज़ पे अपना ओपिनियन इसलिए रखूँगा कि हम हरीश साल्वे सर के साथ सिर्फ इसलिए जाएं क्योंकि आज लगभग लगभग 2.25 साल से जहाँ पर आप खड़े थे वहीं पर हम खड़े हैं। उस परिस्थिति से सिर्फ एक कदम आगे हम बढ़ पाए हैं कि 67867 की लिस्ट पर कुछ साथी हैं, कुछ साथी उस लिस्ट से बाहर हैं। तो अगर आप कहिए कि नहीं, आप उस लिस्ट में सरकार की बदौलत आए हैं, सरकार की पैरवी से आए हैं, तो मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानूंगा। जब सरकार का कोई वास्तविक मैटर होता है, जहां पर सरकार को जरूरत होती है, जहां पर सरकार को बचना होता है, तो वहां पर एजी महोदय, एसजी महोदय, डबल एजी महोदय, एसएसजी महोदय, सारे महोदय समय से पहले ही कोर्ट रूम पे उपस्थित हो जाते हैं। उनको कोई समस्या नहीं होती, उनके यहाँ कोई दिक्कतें नहीं आती। किंतु जब वही मुद्दा हम आपके लिए होता है तो ना ही वहां पर एसजी महोदय, ना ही वहां पर एजी महोदय। जब आप धरना करते हैं, जब आप प्रदर्शन करते हैं, जब आप उनको फोन कॉल्स बार बार करते हैं, अन्य तरह तरह के यत्न करते हैं, तब शायद उनको आप ला पाएं। 15 जुलाई की तारीख क्या अहमियत रखती थी ये सभी कोई जानता है, लेकिन ना ही वहां पर एसजी महोदय रहे। एसजी महोदय आए लेकिन अपनी तारीख के पहले, अपने समय के पहले वो निकल गए। उनको हमारे केस से शायद उतना लगाव नहीं होगा या जो भी अन्य परिस्थितियां हों किस वजह से वो निकल गए, वो तो एसजी महोदय ही जानते हैं। अगली डेट पर वो आते हैं नहीं आते हैं एसजी महोदय का। अगर इस परिस्थिति में विपक्ष के एक ताबड़तोड़ पैनल, मैं पुनः इसलिए कहूंगा क्योंकि देखिए, एक होती है केस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। केस वैल्यू के साथ में अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है तो भी शायद आप उस माननीय न्यायालय पर वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं जो इम्पैक्ट आपको चाहिए होगा। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि विपक्ष की तरफ से जितने भी अधिवक्ता हैं, उन अधिवक्ताओं का सिंगल तोड़ हरीश साल्वे सर ही है और कोई भी नहीं है हमारे पैनल में। थर्ड पार्टी के पास जितने भी अधिवक्ता हैं, उन सभी अधिवक्ताओं में सबसे पहले हरीश साल्वे सर को सुना जाएगा, ये भी आप जानते हैं। केस वैल्यू की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा है बार बार, बस बहुत जल्दी मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए, इस वजह से मैं पुनः हरीश साल्वे सर के साथ ही जाने का सोचता हूँ। लेकिन यदि आप सभी हरीश साल्वे सर के साथ ही जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि उनके चैम्बर से रिक्वेस्ट कर ली गई है कि सर अगली जो फीस होगी उस पर आप ऐसे अपियर होइए कि अपियर ही हो जाइए। इन केस यदि उस बात पे नहीं मानते हैं तो आप लोग उस चीज़ को हमेशा माइंड में मेकअप करके रखिए। अब इसका एक और उपचार ये हो सकता है कि अन्य जो भी टीमें लड़ रही हैं, मैंने एक बार हरीश साल्वे सर को हायर कर लिया, अन्य टीमों भी अप्रोच कर सकती हैं क्योंकि अब वो हमारे पैनल में आ चुके हैं और हमारा मुद्दा एक है। तो अन्य टीमें यदि चाहें तो साल्वे सर को हायर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि साल्वे सर आएंगे तो केस वैल्यू भी बढ़ेगी और फेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। और इस परिस्थिति में आने के बाद आप अगर केस में कुछ भी अपनी लूप छोड़ते हैं तो हमारी आपकी गलती होगी, इसके अलावा किसी की गलती नहीं। क्योंकि 67867 की चैन लिस्ट में आने के बाद यदि 2400 लोग सिर्फ सपोर्ट करते हैं टीम को,
तो ये भी बहुत सोचनीय बात है। क्या आप सरकार भरोसे लड़ रहे हैं, उस सरकार के भरोसे जिसके ना एजी आते हैं समय पे, जब धरना करते हैं तो एजी आते हैं, जब ज़रूरत होती है तो एसजी नहीं आते हैं। तो भाई मैं उस सरकार के भरोसे तो न कभी था न कभी हूँ। हाँ, सरकार का सहयोग जरूर है हमारे साथ में, लेकिन सरकार के भरोसे हम नहीं हैं। तो इस वजह से मेरी तो पूरी, मैं तो पूरी तरह से चाहता हूँ कि यदि केस की वैल्यू आपको बढ़ानी है तो आपको फेस की वैल्यू भी बराबर लेके चलनी ही पड़ेगी। आप 50,000 के, 1 लाख के, 2 लाख, 4 लाख के बहुत सारी एक फौज खड़ी करें, उससे अच्छा है एक ऐसा अधिवक्ता आना चाहिए जो तर्क रूप से, तर्क संगत फ्लो चार्ट जो मैंने बनवाया है, एक फ्लो चार्ट मैंने सालवे सर के यहाँ भिजवाया है, उस फ्लो चार्ट को सालवे सर जब आएंगे तो समझाएंगे आके, उस फ्लो चार्ट से पूरा कोर्ट का भ्रम टूट जाएगा कि नहीं किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं और क्यों कटाप को ऊपर किया गया है, नीचे किया गया है। तो इस वजह से हम तो यही चाहते हैं। बाकी यदि, हाँ, एक मुख्य मुद्दा छूट रहा था, कुछ साथियों के नाम जो हैं वो शायद लिस्ट से छूट गए हैं, तो ऐसे सभी साथी निराश ना हो। एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 7309241727। इस नंबर पे सभी साथी अपने छूटे हुए जो भी नाम हैं उनका डॉक्यूमेंट सीधे इसी नंबर पे भेज दें। नंबर पुनः नोट करिए, 7309241727। इस पर भेज दीजिए और आपका नाम, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना होइए, डबल बेंच की तरह ही एक एक नाम जैसे वहाँ पर भेजा गया था, यहाँ भी एक एक नाम आपको भेज दिया जाएगा। तो आप लोग आगे विचार कर लीजिए अभी, क्योंकि हमारे पास 2-3 दिन का समय है। अगर हमें सालवे सर को लाना है तो सहयोग की आवश्यकता है, अन्यथा की स्थिति में आप लोग जिस भी अधिवक्ता को कहेंगे हम उसके साथ में आगे आने को तैयार हैं। हमें कोई परेशानी, कोई कुरेज नहीं है। इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो भी टीमें कह रही हैं अगर वो चाहें तो सालवे सर के नाम पर वो आगे आ सकती हैं और सालवे सर को वो अपीयर करके आगे आ सकती हैं, क्योंकि हमें केस से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि सालवे सर को हमने खड़ा किया या किसी अन्य ने खड़ा किया। देखिए, शिक्षा मित्र तो आप सालवे सर को ला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक बार हमारी तरफ से केस को स्टडी कर चुके हैं और अपीयर हो चुके हैं, पहले भी उन्होंने मना कर दिया है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से आने के लिए। तो ये शायद सभी परिस्थितियाँ थीं और इन परिस्थितियों से आपको वाकिफ होना थोड़ा सा ज़रूरी था, जिस वजह से लोगों के बीच में हमें आना पड़ा। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर हम तार्किक रूप से एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अपनी बात रखवा पाए तो केस में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष ने अपनी बात रखी है, अभी तो हमारा नंबर ही नहीं आया। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, यदि आपका समर्थन मिला तो डबल बेंच की तरह ही हमारा विश्वास करिए कि 67867 की लिस्ट में बिल्कुल बदलाव किए बिना आगे की पूरी जो है प्राथमिक